बच्चों बारहवीं कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फॉरम लेसन नंबर टू पढ़ रहे हैं हम। और जो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो बच्चों जो लेसन नंबर टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉरम है उसका जो लेसन नंबर टू है उसका 29वां का बी क्वेश्चन है। इसमें रखा था बच्चों ए बी सी की कैपिटल थी 12,000, 7,000 और 5,000 जो बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं आपको सबको। और यह सहमति हुई कि लाभों को 5,000-3 के अनुपात में माना जाएगा, यानी कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो 5,000-3 है, यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उनको 5,000-3 में बांटेंगे वो और पूंजी में ब्याज दिया जाएगा। 31 मार्च 2008 को खाते में जाने के पैसा ज्ञात हुआ कि पूंजियों पर ब्याज नहीं दिया गया। इन्हें 5% का सुझाव दिया, इन्हें बोला कि भाई 5% ब्याज पूंजी पर दे दिया जाए सभी साझेदारों को, और जिस पर बी वे सी सहमत हो गए गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। ये 29वां बी क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों मैंने जो पहले मैंने क्वेश्चन करा था इससे पहले वाला ये पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यदि वो साझेदार को, क्योंकि क्रेडिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, यानी कि राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड में इसका नोट किया जाता है। और बच्चों जब क्रेडिट होता है तो ये प्लस आएगा साझेदार को, ये प्लस होगा ब्याज। और लेकिन सीधी सी एक बात और क्लियर है बच्चों, साझेदार अलग और फर्म अलग है। यदि कोई भी फर्म अपने साझेदारों को ब्याज देगी तो फर्म को उतना ही लॉस होगा, यानी कि जितना ब्याज गया उतना ही लॉस। तो इसको मैं एक सीधा सा पॉइंट बताता हूँ आपको जो आपने फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपको सीधा क्लियर होगा कि हाँ। तो इसकी एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम। ये पर्टिकुलर्स है, ए साझेदार हो गया, बी हो गया बच्चों, तो तीन साझेदार हो गए बच्चों। यदि हम ब्याज निकालेंगे 5% ब्याज, 5% ब्याज का मतलब 5% ब्याज यदि हम निकालेंगे तो यदि हम 12,000 दे इसको 5% ब्याज देंगे तो 12,000 का 5% 600 रुपये को ब्याज मिलेगा, इसका 5% 350 बी को मिलेगा, और सी की जो कैपिटल है 5,000 है, और यदि 5% ब्याज देंगे तो इसका 250 रुपये ब्याज आएगा बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट का मतलब बच्चों प्लस, क्रेडिट का मतलब हम प्लस, यानी कि पार्टनर को प्लस करेंगे। प्लस में जैसे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, इसकी 12,000 अगर 5% इंटरेस्ट है 600 रुपये ब्याज आएगा बच्चों इसका। अब जैसे 7,000 का 5% निकालेंगे इसका 350 आया, इसके बाद 5,000 का 5% ब्याज आया इसका 250 रुपये ब्याज आया। अब उतना ही लॉस होगा 600, 950, 1,000 ये होगा बच्चों आपका 1,200 रुपये। 600 दोबारा बोर्ड पर देखो सारे 600, 350, 950, 1,200, 1,200। ये चीज मैंने पहले ही क्लियर की थी कि यदि फर्म अपने साझेदारों को कोई ब्याज देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, तो अल्टीमेटली उतना ही लॉस फर्म को होगा, और लॉस हमेशा डेबिट होता है बच्चों, डेबिट का मतलब माइनस। तो लॉस रुपीज 1,200 विल बी डेबिट टू पार्टनर्स इन द रेशो। ये देखो रकम है बच्चों 5,000-3, 5,000-3, तो इसको डेबिट करेंगे, डेबिट का मतलब माइनस। अब जैसे इसको भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, 1,200
500 ड्रेस का माइनस है बच्चों देखो, अब इसका 4/12 इसका 400 रुपये, 400 रुपये माइनस, और इसका 5/3 रेशो में 1200 3/12 300 रुपये ये माइनस है बच्चों। माइनस आने के बाद अब मैंने तुम्हें सबको तरीका बताया है इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट का मतलब शुद्ध प्रभाव। अब बच्चों मैंने जैसे हम ये मान लेते हैं कि मैंने 600 रुपये दे गए और 500 रुपये मैंने उसे लेने दिया गए, तो अगर मैं उसका प्लस कर दूं बच्चों 100 रुपये हिसाब से ही होगा ना, 100 रुपये मैंने उसको दे दिए। अब इसके देखो, इसके माइनस का 50, इसका माइनस का 50, इसके एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे हम। जैसे मैंने ब्याज दे दिया, ब्याज देने के बाद 600 350 250 रुपये उतना ही लॉस होगा। मैं इसको जोड़ देंगे जितना ब्याज गया उसको हम जोड़ लेंगे 150 1200, और इसको 5 3 5 4 3 में बांट देंगे, यानी कि 100 है 1 करोड़ 6 100। और लॉस जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन करा था बच्चों, इसका जो पॉइंट करा था उसमें मैंने ये आपको बताया था कि लॉस हमेशा माइनस में जाता है, यानी कि पार्टनर को डेबिट होता है, पार्टनर को डेबिट। तो डेबिट 500 400 300, रेशो देख लेना आपने, ये रेशो स्वाद में लिखा हुआ मिलेगा। इसमें मैंने बांट दिया 500 400 300, ठीक है। इसके बाद एडजस्टेड ये मैंने सभी बच्चे ये बात नोट करें कि हमेशा के लिए वन टाइम फार्मूला हमेशा के लिए, कि जो पार्टनर यदि प्लस में होता है वो हमेशा क्रेडिट में होगा, क्रेडिट का मतलब यानी कि टू में जाएगा वो, और जो जैसे 50 रुपीज भी माइनस में गया, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि माइनस वाला हमेशा डेबिट आएगा। तो जैसे मैं इसकी एंट्री करता हूँ तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी माइनस है, बी माइनस का 50, माइनस का 50, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹50, 6 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 50 रुपीज, और ये 100, तो सीधा टू में डाल दो उसको, टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल।